Are you searching for the best quality content for your bank exam preparations? Subscribe to the Exam Centric YouTube channel today and press the bell icon to get regular updates and quality content. हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम देखेंगे कैट 2020 का एक सवाल और उसको सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन मे जॉन बॉट द सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड सेम अमाउंट ऑफ व्हीट एज ही बॉट इन अप्रैल। मतलब राइस और व्हीट की जितनी क्वांटिटी उसने अप्रैल में खरीदी थी उतनी ही मई में खरीदी, बट स्पेंट 150 मोर ड्यू टू प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस एंड व्हीट बाय 20% एंड 12%। तो क्योंकि प्राइस में इंक्रीज हो गया इसलिए उसने 20% और 12% जो है क्योंकि प्राइस में इतना परसेंट इंक्रीज हो गया इसलिए उसने 150 रुपये ज़्यादा खर्चा किया। ठीक है, तो इफ जॉन हैड स्पेंड 450 ऑन राइस इन अप्रैल देन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मई। तो सबसे पहले तो प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ये बात आपको पता होगी, है ना। मतलब प्राइस का मल्टीप्लाई अगर मैं टोटल कंजम्पशन जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो मैं खर्चा करता हूँ वो मुझे मिल जाता है, राइट। तो अगर कंजम्पशन मेरा कॉन्स्टेंट है जैसा कि सवाल में दिया गया है कि उसने सेम अमाउंट खरीदा, राइस और व्हीट का सेम अमाउंट खरीदा, सो लेट्स से कि अगर एक्स के जी अप्रैल में खरीदा और एक्स के जी मई में खरीदा तो कंजम्पशन तो मेरा चेंज नहीं हो रहा, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कंप्लीटली डिपेंड हो गया किस पर, प्राइस पर। तो जितना परसेंट प्राइस इंक्रीज होगा उतना ही परसेंट मेरा खर्चा भी इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर राइस और व्हीट का प्राइस 20% और 12% इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है कि जो मेरा टोटल खर्चा होगा राइस और व्हीट पर वो भी 20% और 12% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक मेथड की बात करते हैं। ठीक है, हम बेसिक से कर रहे हैं इस सवाल को, तो पहले हमें ये चीज, ये रिलेशन ढंग से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि जितना प्राइस में इंक्रीज होगा उतना ही एक्सपेंडिचर में, उतना ही परसेंट जो चेंज होगा वो एक्सपेंडिचर में होगा। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं दो चीजों की, एक तो राइस और एक व्हीट, राइट। बात हो रही है दो मंथ्स की, एक तो अप्रैल और एक मई, अप्रैल और मई की बात हो रही है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि यहां पर इसने बोला है कि टोटल जो चेंज हुआ है, जो टोटल इनके खर्चे में चेंज हुआ है वो 150 रुपये का चेंज हुआ है। मतलब कुछ इंक्रीज हुआ है राइस में, राइस में इंक्रीज हुआ है 20% का, है ना, और व्हीट में इंक्रीज हुआ है 12% का। अब इन दोनों में जो टोटल इंक्रीज हुआ है वो 150 का हुआ है। जहां पर मुझे कहा गया कि जॉन हैड स्पेंट 450 ऑन राइस इन अप्रैल, तो मैं ये कह सकता हूं कि जॉन ने अप्रैल में राइस पर कितना खर्चा किया था, 450। तो जो चेंज होगा वो 20% होगा और इसका 20% हो गया 45 × 2 यानी 90। और हमें पता है कि टोटल चेंज हमें कितना लाना है, 150। दोनों में जो टोटल इंक्रीज होगा वो 150 है। मतलब अगर ये 90 है तो ये 60 होना चाहिए, है ना। अगर ये 90 है तो 60 होना चाहिए, बिकॉज तभी तो 150 बनेगा। 150 माइनस 90 इज 60, राइट। तो अगर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू मान लेता हूं, लेट्स से 100x, तो ये कितना हो जाएगा, 100x का 12% यानी 12x, तो ये 112x हो जाएगा। और ये 12x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 60 के बराबर। x की वैल्यू 5 के बराबर हो गई, और x की वैल्यू अगर 5 हुई तो हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मच ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मे, मे में उसने व्हीट पर कितना खर्चा किया, दैट इज 112x यानी 112 × 5 यानी 560 रुपये, 560 रुपये, 560 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए, राइट। तो ये हुआ इसका, इसको करने का एक बेसिक मेथड, राइट। अब क्या अच्छा नहीं होगा कि अगर हम इस सवाल को बिना किसी कैलकुलेशन के कर पाएं और 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएं, बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम ऐसा 100% में से 10% में भी इस टाइप की टेक्निक लगा पाते हैं तो हम एग्जाम में अपना काफी समय बचा सकते हैं, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करूंगा। मुझे पता है कि व्हीट में जो चेंज हुआ है वो 12% का चेंज हुआ, जितना प्राइस में चेंज उतना एक्सपेंडिचर में चेंज, ये तो आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी तो कॉन्स्टेंट है, है ना। तो एक्सपेंडिचर में मेरा 12% का चेंज होगा, मतलब अगर मैं व्हीट पर पहले 100 रुपये खर्चा करता था तो अब मैं 112 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, है ना, 112 रुपये खर्चा कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अप्रैल का प्राइस, अप्रैल में खर्चा है और ये मई में खर्चा है, दिस इज फॉर अप्रैल, दिस इज फॉर मई।
और मुझसे पूछा है कि वीट पर मैंने मई में कितना खर्चा किया, यानी 112 की वैल्यू मुझे पूछी गई है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 112 होता है 16 × 7, है ना? 16 का तो पता नहीं, लेकिन 7 इज अ प्राइम नंबर, 16 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट 7 इज अ प्राइम नंबर। मतलब अगर किसी भी चीज में हम 12% का इंक्रीज करते हैं तो वो अपने आप की 112% हो जाती है, और यहां पर जो 7 का फैक्टर है वो यहां पर रहेगा ही रहेगा, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। और मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि 57, 58, 59 तो 7 की टेबल में नहीं आते, पर 56 आता है, यानी 56 इज द ओनली मल्टीपल ऑफ 7 एंड दैट इज द आंसर, 560 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप में जब भी क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज इंक्रीज आप जरूर देखिएगा, और जो परसेंटेज इंक्रीज करने के बाद जो नंबर बनता है वो आप देखिए कि किसका मल्टीपल है। तो ये अगर नंबर प्राइम, किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल है तो वो भी उसमें होना चाहिए, मतलब आंसर भी उसी नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आंसर जल्दी निकाल सकता हूँ और अपना समय बचा सकता हूँ। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। Are you searching for the best quality content for your bank exam preparations? Subscribe to the Exam Centric YouTube channel today and press the bell icon to get regular updates.